सब्सक्राइब कीजिए हमारे अपने यूट्यूब चैनल को, प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को जिससे हमारे आने वाले हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि सैनिक स्कूल जो कि एंट्रेंस एग्जाम 21 अप्रैल 2019 को एग्जाम है क्लास सिक्स के, तो उनके रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कितना जाएगा और वेटिंग लिस्ट कब जारी किए जाएंगे, तो इस वीडियो में आज जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसका रिजल्ट कब रिलीज होने वाला है। जिसका रिजल्ट 30 अप्रैल को रिलीज होगा, शायद आप इसका रिजल्ट जानते हैं कि इसका रिजल्ट 30 अप्रैल को रिलीज होने वाला है। और वेटिंग लिस्ट, क्योंकि वेटिंग लिस्ट जब रिलीज होगा एडमिशन के बाद जब सीट इम्पटी हो जाती है, तो इसका वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा। अगर किसी कारणवश स्टूडेंट अपना एडमिशन नहीं करवाता तो सीट खाली रहता है, तो बाद में वेटिंग लिस्ट जारी किया जाता है। तो तीसरे नंबर पर आती है कट ऑफ कब जारी, कटाप कितने तक जाएगी, एक्सपेक्टेड कटाप हम वही बताएंगे जो जनरल में परीक्षा हुआ था, फ्री में जब रिजल्ट रिलीज हुआ कितना कटाप बनाया गया था उसी के साथ कटाप बताएंगे। 2 या 3 या 4 लगभग मिनिमम नीचे पर कटाप हो सकता है इस बार। तो चलिए देखते हैं एक्सपेक्टेड कटाप 2019। कैटेगरी वाइज कटाप डिफेंस यूके की बात कर लें तो 213 मार्क रहेगा, और एससी की बात कर लें 152 मार्क, और एसटी के लिए 152, अदर डिफेंस के 240 मार्क को होना चाहिए, यूके जनरल के 210 मार्क, अदर जनरल नेम ऑफ स्टेट यूपी की बात करें तो 270 मार्क आने चाहिए, बिहार के लिए 260 मार्क, और वेस्ट बंगाल के लिए 151 मार्क, तमिलनाडु के लिए 184, और मध्य प्रदेश के लिए 166, राजस्थान के लिए 152 मार्क, जो कि जनरल एंट्रेंस एग्जाम में कट ऑफ बनाया गया था। तो इस बार इतना भी कट ऑफ बनाया जा सकता है या कम या ज़्यादा भी बनाया जा सकता है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखें तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आप लोग का इस कंट्रीब्यूशन मिलता रहेगा।